अब आदमी कैसे सुखी होगा? याद रखना, आदमी तुम सोच लो कि उसको केवल बिस्तर दे दें सुखी हो जाएगा, नहीं। बिस्तर देने के साथ साथ उसको बिस्तर पर विश्राम कैसे मिलेगा, तो उसका मन भी निश्चिंत होना चाहिए। मन में यदि चिंता है, टेंशन है, तनाव है, तो बिस्तर कितना बेहतर हो लेकिन उसको विश्राम नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसा उसको ज्ञान भी दीजिए, कुछ उसको समझा भी दीजिए, कुछ भरोसा भी दिलाइए, कुछ विश्वास दिलाइए, जिससे उसका माइंड निश्चिंत हो जाए, वो सो सके। ये भी आपको करना पड़ेगा। नहीं तो कितने लोगों के पास बिस्तर तो टॉप का है लेकिन नींद जीरो, बिस्तर खूब अच्छा है। एक पति कह रहा था कि मेरी पत्नी जब बिजली चली जाती है तो हाथ से पंखा डुलाती है। तो मैंने कहा इन्वर्टर लगा लो। बोले बैटरी भी जब डाउन हो जाती है तो हाथ से पंखा वो रात भर बैठकर डुलाती है। तो मैंने कहा फिर तो आपको नींद खूब आती होगी। बोले नींद बिल्कुल नहीं आती। तो हमने कहा क्यों नहीं आती फिर जब इतनी सुविधा हो गई? बोले इसलिए नहीं आती है, वो पंखा डुलाती तो है पर टेंशन पैदा करने वाली बात भी करती जाती है साथ में। तो हमने कहा अच्छा ऐसा होता। तो हमने कहा फिर क्या होता है? बोले ऐसी दशा होती है जैसे मक्का का भुट्टा भूनने वाले लोग पंखा तो डुलाते हैं लेकिन वो मक्का के भुट्टा को ठंडा करने के लिए नहीं, आग को तेज करने के लिए पंखा डुलाते हैं, हवा करते हैं और मक्का का भुट्टा भून देते हैं। ऐसे ही वो पंखा तो डुलाती है और हम भुट्टा बनकर भून जाते हैं। अब देखिए ये बाहरी सेवा है, पंखा डुलाना, खीर खिलाना, पकौड़ी खिलाना, ये अलग बात है। आपको कुछ ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, ऐसा वाणी, ऐसा नेचर, लेक्चर, स्ट्रक्चर, करेक्टर, जिससे कि आपका पति, आपका गुरु, आपका शिष्य, आपका बेटा, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी सासू, आपकी बहू, एक्स वाई जेड, सभी निश्चिंत हो सकें, निर्भीक हो सकें, उनके अंदर का भय समाप्त हो, डर समाप्त हो, चिंता समाप्त हो, टेंशन समाप्त हो, तब उनको गहरी नींद का सुख मिलता है। पिताजी जब पानी मांगते हैं बेटा फट से लाकर दे देता है, लेकिन बेटा हर समय मोबाइल में गेम खेलता है। पिता पानी तो पी लेगा लेकिन उसके हृदय को शीतलता नहीं मिलेगी, क्योंकि चिंता है, ये गेम खेलता है, इसका लाइफ बिगड़ रहा है। और जब पिता समझाता है गेम मत खेलना तो बेटा रूठ जाता है, दो दिन बोलता नहीं है, तो पिता और टेंशन में आ जाता है कि कहीं नाराज होकर जहर ना खा ली। तो तीसरे दिन पिता कुछ नहीं बोलता है, अब मन में टेंशन भी बन गई, चिंता भी बन गई, भय भी बन गया, अब पिता का सुख नष्ट हो गया। जहाँ चिंता है, जहाँ भय है, जहाँ डर है और जहाँ टेंशन है, वहाँ सुख शांति नष्ट हो जाती है, निर्भयता नष्ट हो जाती है, निश्चिंतता खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति को ना तो अच्छी नींद आ सकती है और ना तो वो व्यक्ति हंसते हुए जिंदगी जी सकता है, ना मुस्कुरा कर रह सकता है। अब उसके सामने एक ही उपाय है, एक ही रास्ता बचा है, अंतिम रास्ता है, वन वे। क्या लोग कहते का ए वे नहीं वन वे। वन वे का मतलब क्या हुआ? अब एक ही है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग। यदि उसको ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए, तो ही वो इस व्यथा से बच सकता है, अन्यथा अब इसी व्यथा में उसकी जीवन की कथा पूर्ण हो जाएगी। यही हाल दुनिया का हुआ पूरा। इसलिए कभी कभी बेटा जब अपने पिताजी से ज्यादा योग्य बनता है, पिता का मन निश्चिंत होता जाता, प्रसन्न होता, माँ का मन प्रसन्न होता, और बेटा योग्य बन करके
पिता से अधिक धन कमाता है, पिता से अधिक प्रभाव कमाता है, पिता से अधिक नियम संयम से रहता है, पिता से अधिक सत्संग सुनता है, पिता से अधिक ज्यादा दान पुण्य भी करता, पिता से ज्यादा परोपकारी है, पिता से ज्यादा उसका नाम है, और पिता से अच्छा मकान बनाया है, और पिता से भी अच्छी गाड़ी लाया है, पिता समझ गया अरे मैं पिता, ये तो परम पिता हो गया, इसका तो पता ही नहीं था कितना महान आत्मा पैदा हो गया, तब वो पिताजी निश्चिंत हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, ज्यादातर बेटे लोग अपने पिता के लिए मकान तो अच्छा बना देते हैं, लेकिन पिता के पास बैठ करके प्रेम नहीं करते। मकान बना दिया, कमरा दे दिया, डबल बेड डाल दिया कि मम्मी पापा तुम यही रहना बस ठीक। उनको भी मालूम है कि मुझको बिल्कुल नौकर की तरह डाल गया, प्रेम नहीं कर रहा। प्रेम भी करना जरूरी है। योग्य पुत्र बनो, योग्य शिष्य बनो, योग्य गुरु बनो, योग्य माँ बाप बनो, और तुम जब योग्य बनते हो, अनेक लोगों की चिंता को तुम दूर करने के लिए दवाई बन जाते हो। तुम्हारा योग्य होना, सुयोग्य होना बहुत लोगों को टेंशन से मुक्त करता है, और बहुत से लोगों को सुख शांति पहुंचाता है, और बहुत से लोगों को आनंद देता है। इसलिए याद रखना, अपनी योग्यता को प्राप्त करो, और योग्य बनने के लिए त्याग तप करो, और योग्यता का प्रयोग करने के लिए सहनशीलता रखो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, आलस्य निष्क्रियता को दूर करो। योग्यता का जब प्रयोग करते हो तो उस प्रयोग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी में सुख शांति बरसने लग जाती है। इसलिए आलस्य भी मत रखिए, निष्क्रियता भी मत रखिए। जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो। 10-20 नौकर भी रखो, 10-20 हजार कर्मचारी रखो, 10-20 लाख कर्मचारी रखो। अपनी क्षमताओं को विकसित करो। 10-20 लाख लोगों के परिवार तुम्हारी कलाओं से, योग्यताओं से, क्षमताओं से, तुम्हारे सिस्टम से पलने चाहिए, लेकिन तुम इतने निठल्ले हो, निष्क्रिय हो, क्या बोलते हैं उसको, कामचोर हो, कि तुम्हारा पेट ही नहीं पल पा रहा है तुम्हारी मेहनत से, तुमसे दूसरे क्या पलेंगे। सबका ऐसा सिस्टम, आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। संत भी बनो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, वैराग्यवान संत बनो। सब लोग निश्चिंत हो जाएं आपसे, आंख मूंद करके तुम पर भरोसा करें लोग, ऐसे संत बनो। गुरु भी आंख मूंद कर विश्वास करे आपके ऊपर। ऐसे पुत्र बनो, ऐसी बहू बनो कि आपके सास ससुर माता पिता आंख मूंद कर आपके ऊपर विश्वास करें, भरोसा करें। विश्वास को जीतो, उनको निश्चिंत करो, तब वो सुखी हो जाएंगे। और जिनसे जिनसे तुम्हारा मन जुड़ा रहता है ना, उनका दुख तुम्हारा दुख बन जाता है, उनका सुख तुम्हारा सुख बन जाता है, उनकी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा बन जाती है, उनका घाव तुम्हारा दर्द बन जाता है। जैसे माँ है, माँ का बेटा अगर दुखी है तो माँ दुखी हो जाती है, बेटा सुखी है तो माँ सुखी हो जाती, खुश हो जाती। जिनसे जिनसे तुम जुड़ते हो उनके दुख और सुख तुमको प्रभावित करते हैं। इसलिए सतमार्ग पर चलो, सहनशील बनो, गुणवान बनो, महान बनो। मन सोहरों ना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे।
उन चीज़ों से अपने मन को प्रभावित मत होने दीजिए जो आपके भविष्य को बिगाड़ सकती हैं, भाग्य को बिगाड़ सकती हैं, आपकी उन्नति में बाधा डाल सकती हैं। परिस्थितियां सर्वथा किसी के अनुकूल नहीं होती हैं, परिस्थितियां हमेशा प्रतिकूल अनुकूल मिक्स रूप से रहती हैं, लेकिन आपको प्रभावित होना ना होना, कितना होना, कम होना, ज़्यादा होना, ये आपके हाथ का खेल है, उनसे प्रभावित मत हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पश्चिम बंगाल के, उनके पास में इतने पैसे नहीं थे किताब खरीद कर पढ़ सके, जमीन पर लिख कर अभ्यास करते थे, मित्रों के कॉपी किताब मांग करके उससे पढ़ते थे। जब परीक्षा हुई तो फर्स्ट डिवीजन आए, सबने उनकी पीठ थपथपाई कि क्या बात है। बस उसी दिन से उनका ग्राफ ऊपर उठा। पश्चिम बंगाल के माने हुए विद्वान, उनके नाम के आगे विद्यासागर की उपाधि लगाई गई, विद्यासागर, इतना बड़ा विद्वान बना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत संघर्ष, बहुत गरीबी, बहुत दुख, बहुत समस्याएं, बहुत विषम परिस्थिति का मुकाबला करते हुए ये व्यक्ति विद्यासागर कैसे बन गया। जिनको एयर कंडीशन रूम मिला है, पढ़ने के लिए टेबल लगी है, चेयर लगी है, नाइट बल्ब अलग है, डे बल्ब अलग है, सब कुछ है, फिर भी नंबर थर्ड डिवीजन, क्या हो रहा। एडजस्ट करना सीखो, अपने को सेटलमेंट करना सीखो। अब्राहम लिंकन की पत्नी अब्राहम लिंकन को बहुत गालियां भी बकती थी, बहुत ऊटपटांग बोलती थी। अब्राहम लिंकन उसकी परवाह नहीं करते थे, अपने राजनीतिक क्षेत्र में मेहनत करते 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 अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। आप किसी के व्यवहार से प्रभावित होकर के, किसी के गलत स्वभाव से प्रभावित होकर के यदि अपने कार्य को बंद कर देते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना बंद कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी हार है। सब कुछ सह करके, गम खा करके अपने लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहिए, ये आपके जीत का द्वार खोल देगी। यही स्वभाव बनाइए। पूर्ण अनुकूलता किसी को नहीं मिलती।